बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम लाए हैं खिलाड़ियों के लिए शानदार खबर, खिलाड़ी हो जाएं तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा में भी अंडर 19 और सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के ट्रायल्स के शेड्यूल का जल्द ऐलान करेगी। इस ज़मन में तमाम तर इब्तदाई इंतजाम के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो आइए आज आपको बताएंगे कि किन अज़ला में और कौन कौन से ग्राउंड्स में ट्रायल्स मुनक्कद होंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इलाकाई, कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर खेलों की खबरों से बरवक्त बाखबर रह सकें। तो चले शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर वन में है पिशावर, चारसदा, नौशहरा। पिशावर के ट्रायल्स होंगे मुमताज़ क्रिकेट ग्राउंड, चारसदा के ट्रायल्स होंगे चारसदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नौशहरा के ट्रायल्स होंगे मनाखेल ग्राउंड, नौशहरा। ग्रुप नंबर टू में है सवाबी, बुनेर, मरदान। सवाबी के ट्रायल्स होंगे गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम सवाबी, बुनेर के ट्रायल्स होंगे कैप्टन वकास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मरदान के ट्रायल्स होंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मरदान। ग्रुप नंबर थ्री में है सवाद, दी लोअर, बाजौर, दीरापर। सवाद के ट्रायल्स होंगे ग्रासी क्रिकेट ग्राउंड सवाद, दी लोअर के ट्रायल्स होंगे समरबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, बाजौर के ट्रायल होंगे बाजौर क्रिकेट ग्राउंड, दीरापर के ट्रायल होंगे दीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ग्रुप नंबर 4 खैबर, मोमन, कुरम। खैबर के ट्रायल्स होंगे जमरोद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मोमन के ट्रायल होंगे अरमान क्रिकेट ग्राउंड पिशावर, कुरम के ट्रायल होंगे अरमान क्रिकेट ग्राउंड पिशावर। ग्रुप नंबर 5 कोहाट, बनू, डीआई खान। कोहाट के ट्रायल होंगे कोहाट क्रिकेट ग्राउंड, बनू के ट्रायल होंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनू, डीआई खान के ट्रायल होंगे गोमल यूनिवर्सिटी ग्राउंड। ग्रुप नंबर सिक्स में है मानसेरा, एबटाबाद, हरिपुर। मानसेरा के ट्रायल्स होंगे एबटाबाद क्रिकेट ग्राउंड, एबटाबाद के ट्रायल्स होंगे एबटाबाद क्रिकेट ग्राउंड, हरिपुर के ट्रायल्स होंगे रेलवे क्रिकेट ग्राउंड। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल पर ज़रूर बात करेंगे।